Hello everyone, how are you all? I hope you all are watching our videos and learning. तो जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है हाउ टू लर्न इंग्लिश में, उसमें सारे टेंसेस करवा दिए गए थे. उसके बाद में मैंने अफर्मेटिव फॉर्मेशंस के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर्स हैं यूज़ करते हैं वो सारे चीज़ें आपको बताई जा चुकी है. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से कैसे फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं, वर्ब जो ब्रैकेट में दिए हुए रहते हैं वो भी आपको बता दिया गया है. और उसके बाद फाइनली हाउ टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है पर्टिकुलर टेंस का, वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है एंड देन वी फॉर्म इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसके अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यस या नो उत्तर देने का. और उसमें यस उत्तर जिससे देते हैं वो अफर्मेटिव फॉर्मेशन होती है, और वो अफर्मेटिव फॉर्मेशन हम लोगों ने कर रखी और मैंने उस वीडियो में आपको करके भी बताया था लाइव एग्जांपल. आज नेगेटिव करते हैं. नेगेटिव का मतलब भी क्या है, नोट लगाना. लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू नहीं है नेगेटिव बनाना, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी होती है तो इट इज़ ऑलवेज गुड, जिससे कि गलती होने की संभावना कम हो जाती है. सो लेट्स सी, नेगेटिव बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है तो यहाँ देखते हैं. मैंने लिख रखा है हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, यही है आज का लर्निंग. तो अगर ये सीख लेते हैं तो हमारे पास में क्या कौन से फॉर्मेशन हो जाएंगे, अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और इंट्रोगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये तीन जो फॉर्मेशन हो गई, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये आपको एक कदम और आगे लेकर जाएगी लिखने के लिए, बोलने के लिए, प्रश्न करने के लिए. मतलब आप स्पोकन मोड में भी आ सकते हैं, यहाँ से ये स्पोकन मोड बन जाता है. जो हम पेपर पे लिखते हैं वो राइटिंग ऑन पेपर इज आल्सो लाइक स्पोकन ओनली, बट जस्ट वी आर राइटिंग ऑन द पेपर, वी आर नॉट स्पीकिंग, वी आर नॉट यूजिंग अवर माउथ, दैट्स इट. बाकी चीज़ें वही रहती है. फिर प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ हम बोलते रहते हैं वो हमारे टंग पे आ जाती है, इसलिए वो स्पोकन बोल देते हैं, स्पोकन में कन्वर्ट हो गया, बाकी चीज़ें वही है. सो लेट्स सी. तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा आपको, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसके आगे हमें नोट लगाना, और उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब यहाँ पे आएगा, जिस भी टेंस का. मतलब एक जनरल सा रूल मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है. फिर मैंने ये दूसरा भी वैसे कुछ लिखा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये नंबर वन, नॉट हेल्पिंग वर्ब टू. मतलब क्या है कि कई सारे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में है, जैसे मान लो हैज़ बीन, हैव बीन है, तो हैज़ और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है मान लो, तो नोट कहाँ लगाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट के बाद ही लगेगा. बस इतना सा समझना कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में दिखाई दे रहा है, पेशी में जाएंगे तो इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ऐसा भी यूज़ करना पड़ेगा. अगर फ्यूचर सिंपल की बात करें तो उसमें बी की फॉर्म यूज़ करते हैं, विल बी, शैल बी, ऐसे. उसके बाद में आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए, तो उसमें भी दो हिस्सों में हो गया. तो वो आपके पास में सारे नोट्स तो हैं. तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब अगर एक ही हिस्सों में है तो उसके आगे नोट लगा देंगे और उसके बाद मेन वर्ब यूज़ करेंगे. और अगर हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में है या उससे भी ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, लास्ट में तीन हिस्सों में, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू यूज़ फर्स्ट पार्ट एज द रेफरेंस पॉइंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट नॉट, दैट्स इट. दिस मच ओनली हाउ टू रिमेंबर. तो एक तो ये नेगेटिव फॉर्मेशन ऐसे होती है, ये याद रखना है. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. नाउ सेकेंड चीज़ क्या याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे इंटरोगेटिव बनाते वक्त हम लोगों ने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लाते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हिडन होता है. और जब हम उसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल के लिए डू, डज सब्जेक्ट से पहले बाहर आ जाता है. और डच किसके साथ यूज़ करना है, डू किसके साथ यूज़ करना है, वो भी हम लोगों ने देख रखा है. नहीं देखा है तो आप वीडियो वापस देखें, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. अब वो कि वो चीज़ यहाँ पे कि बाकी सारे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब जो भी ऑक्सिलरी है वो ये यूज हो सकता है, इज आर एम या वॉज वर. टेंस भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखो कि ऑक्सिलरी कौन कौन से कैसे यूज होते हैं. तो इज आर एम यूज होता है, तो मान लो मुझे नेगेटिव बनाना है, नोट लगा दिया. वॉज वर है उसके आगे नोट लगा दिया. हैज़ हैव उसके आगे नोट लगा दिया. हैड अगर है उसके आगे नोट लगा दिया. विल शैल उसके आगे नोट लगा दिया. उसके आगे जो भी चीज़ होगी हम जोड़ देंगे.
तो इस प्रकार से नेगेटिव बनाना बाकी चीज़ों के लिए बड़ा आसान होता है। प्रॉब्लम आती है ज़्यादा थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के लिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने दे रखा है प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था डू डज, और उसके आगे नोट लगेगा। अब यहाँ पे ये जो डज है, ये डज भी उन्हीं सब्जेक्ट के लिए यूज होगा जिन सब्जेक्ट के लिए या तो हम अफर्मेटिव में वर्ब के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं, नंबर वन। दूसरी तरफ से देखो, जिनके लिए हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त जिन सब्जेक्ट्स के लिए हम डस का प्रयोग करते हैं, वही डस का प्रयोग होगा नेगेटिव के लिए उन सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब सीधी सी अगर बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल में ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर के जितने भी केसेस होंगे उनके लिए डस का प्रयोग होगा और उसके आगे नोट लगाना है। ये नेगेटिव बन गया। डू नॉट बनाना है तो किसके लिए यूज होगा, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के लिए। आपके पास लिखा हुआ है पहले वो, कि वही डिटेल है, मैंने सिर्फ बोल के बता दिया आज। पास्ट सिंपल का जो केस है बड़ा क्रिटिकल केस है। जैसे आपने इंटरोगेटिव बनाया था, इंटरोगेटिव में क्या हुआ था, सब्जेक्ट से पहले हम लोगों ने क्या ले लिया था, डिड, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। जबकि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट सिंपल के लिए, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं, सेकंड। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है, तो वो बैलेंसिंग एक्ट हो जाती है। इसलिए सब्जेक्ट से पहले जब डिड लिखते हैं इंटरोगेटिव बनाते वक्त, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वैसे ही मामला यहाँ पर है कि जब हम नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, डिड नॉट बन जाएगा, डिड नॉट के बाद में यू हैव टू रिमेंबर इट्स सो क्रिटिकल एंड इट कीप्स ऑन कमिंग इन एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट एरर आल्सो। In case after did not, if you find second form, that is totally wrong formation. After did not, it would be always first form. I am again pressing it and I am putting stress on this statement that after did not, first form will come. Many of the students are confused in this way also. So better you clarify now. आप बिल्कुल इसमें स्पष्ट दिमाग में बिठा लें कि डिड नॉट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और इस प्रकार से ये नेगेटिव फॉर्मेशन हो गई प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का। बाकी में तो आपको नोट ही लगाना है। जनरल रूल बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अगर दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट पार्ट के बाद में नोट लगाना है। फॉर्मेशन आपको एक ही याद रखनी, इनफैक्ट देखा जाए तो अफर्मेटिव, उसी से हमने फॉर्मेशन चेंज करके इंटरोगेटिव बना सकते हैं, उसी से हम नेगेटिव में जा सकते हैं। अब जब तीन चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध हो गई है, नाउ वी आर इन द पोजिशन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन और रिप्लाइंग आंसर। यही समझो कि आपकी स्पोकन की भी शुरुआत हो जाती है एंड फ्रॉम हियर ओनली यू स्टार्ट बिल्डिंग योर राइटिंग स्किल। ओनली थिंग व्हाट यू वुड नीड, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स। आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं का जो प्रयोग है उसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज फॉर्मेशन रिमेन्स सेम, देर इज नो चेंज इन द फॉर्मेशन। कि बहुत लंबा चौड़ा कोई अंग्रेजी बोल रहा है, लिख रहा है, तो उसने अलग अलग कोई फॉर्मेशन यूज की होगी, हैं थोड़े बहुत अलग से फॉर्मेशन और आगे आगे आएंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ, डज यूज किया गया है ही के लिए, इसका मतलब सीधा दिखाई दे रहा प्रेजेंट सिंपल का है। और इसकी हिंदी भी मैं बता रहा हूँ आज कि ये निकलेगी ता है, और इसका हिंदी निकलेगा यहाँ से क्या। सो क्या वह क्रिकेट खेलता है, ऐसी इसमें वॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या जो वॉट का होता है, वॉट वाला क्या, दैट इज डिफरेंट इशू। उसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, हमारी कुछ डिमांड होती है उसके लिए। दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चनिंग हेल्पिंग वर्ब मेथड बोलते हैं इसको, एच वी टाइप इंटरोगेटिव। तो डज ही प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया क्या वह क्रिकेट खेलता है। बहुत ही सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट लिया है आपको समझाने के लिए। आंसर आपका यस भी हो सकता है या नो भी हो सकता है। नेचुरली क्या से शुरुआत होने वाले वाक्यों में आपके पास में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो के। अब देखो यही जो चीज है, यस ही आ गया, ये ऐसी यस यहां पर शिफ्ट होता है इसके अंदर, इसीलिए ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ही प्ले क्रिकेट या बोल देता हूँ, बोलने में तो चल जाता है, चलो
कम्युनिकेट करना है, समझ में आ गया, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर तो ऐसा आना ही है। अगर मान लो कि एक सेंटेंस में लेता आपके लिए और एक लिखता हूँ, डज सी गो टेम्पल, क्या वो मंदिर जाती है? अगर ऐसा वाक्य में को किसी ने पूछा है या मैंने लिखा है और इसका आंसर मुझे देना है तो यस सी, और ये गो सिंपल नहीं रह जाएगा, ये यस यहाँ शिफ्ट होके यस है, तो यहाँ तो पूरा दिखाई दे रहा है यस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस ही लगेगा क्योंकि एस सी एस का वो जो फॉर्मूला बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल में, वो एक्टिव हो जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब वही एस सी एस का जो फॉर्मूला आपको बताया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में अगर पूछा जाता है, अगर डू से होता तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप, डू यू गो टेम्पल, और आपको यस आंसर देना है। यस यू का क्या हो जाएगा, आई, यस आई गो, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, और नो होगा तो आई डोंट गो, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो अभी सीख रहे। तो इस प्रकार से जहां पे भी डू आ रहा है तब ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती एस सी एस के लिए, और जहां पर डज आ रहा है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, एस सी एस लगाना। ये हो गया। अब आ जाओ नेगेटिव, नो ही डज नॉट, डज नॉट आ गया, उसके बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये मैंने आपको बार बार बोला है। उसके बाद डिड से पूछा है, चाहे डिड हो डज हो वाज वर बाहर हो सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट है उसे आपके लिए क्या ही जनरेट करेगा हिंदी में, क्या उसने क्रिकेट खेला, ऐसी हिंदी बनेगी, आ की साउंड आएगी लास्ट में। अब आंसर यस देना है। अफर्मेटिव फॉर्मेशन आ गई, अफर्मेटिव फॉर्मेशन का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, इफ यू रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो वाली फॉर्मेशन से हम अफर्मेटिव लिख रहे हैं तो ये हो गया ही प्लेड क्रिकेट। लेकिन जब नेगेटिव लिखेंगे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड वाइल स्पीकिंग ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वाई? बिकॉज इफ यू स्पीक सेकंड फॉर्म विथ डिडंट, दैट इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हियर यू हैव टू यूज डिड नॉट, दैट इज इन डिडन, एंड यू हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल का एक एग्जाम्पल लिया, कैसे यस आंसर देना है, कैसे नो देना है, कैसे इसका नेगेटिव यूज करना है पास्ट का। अब बाकी टेंसेस का तो बहुत ही आसान है। सपोज मैंने एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का लिया है, सेम स्टेटमेंट ही है, पर यहाँ पर ये क्या तो जनरेट करेगा, इज, इज तो क्या ही जनरेट करेगा, पर वो रहा है रही वाली फॉर्मेशन में आ गया, इज आर एम प्लस आई एन जी। सो क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर रहा है टाइप फॉर्मेशन आ गई। अब आंसर नेचुरली क्या से पूछा गया है, तो यस या नो। अब कितना आसान है, यस ये इज अंदर चला जाएगा, यहाँ आ गया इज प्लेइंग, और अगर नेगेटिव बनाना है तो ये इज आ गया अंदर और उसके आगे क्या लगा देना, नॉट। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड नाउ कंप्लीटली हाउ टू यूज द स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव ऑफ ऑल द टेंसेस, हाउ टू यूज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स टू आस्क क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू रिप्लाई यस एंड नो, एंड हाउ टू रिप्लाई यस मीन्स अफर्मेटिव एंड हाउ टू रिप्लाई नेगेटिव मीन्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो विद दिस आई कंप्लीट टूडेज क्लास, आई होप यू ऑल आर enjoying, in fact you have to enjoy, English learning is bit difficult, why, because we are out of, you can say track, what happens, we always like to hear Hindi, Hindi ही सुनना हमें पसंद है, मैं बहुत कुछ Hindi ही बोल रहा हूँ class में, because I know ये video देखने वाले ज़्यादातर Hindi medium के ही छात्र हैं, इसी वजह से मैं भी जानबूझकर Hindi बोल रहा हूँ और ये आपके कानों तक पहुँचने में सहायता करे कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो आपके कानों तक पहुँच जाए। मैं अगर 100% अंग्रेजी बोलूँगा तो शायद आप लोगों को इतना अभी समझ में नहीं आएगा, जो लोग बहुत ही बिगिनर हैं या एकदम ही लर्नर हैं, जो बहुत ही शुरुआत में सीखने वाले हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने विशेषकर ये वीडियोज़ ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं या जो शहरी क्षेत्र के भी बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये सारे वीडियोज स्पेशली तैयार किए जा रहे हैं। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी तो फिर आगे आपको सिर्फ वर्ब्स एंड वोकैबुलरी पावर ही बढ़ानी रह जाएगी और यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ कि आप देख सकते हो बोलना भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन स्पीक वेरी वेल, एवरी वन कैन स्पीक। सो इन दैट वे आई थिंक यू माइट बी वॉचिंग एंड यू मस्ट वॉच
And again, I request you all, those are watching, please share our videos, subscribe our videos, tell others also to subscribe. And moreover, under one roof, एक ही छत के नीचे आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एकेडमिक्स क्लासेस की तरह ही वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग देखते रहें, सीखते रहें. एंड स्टिल कोरोना कोविड 19 वायरस इज स्प्रेडिंग, सो दो नाउ इट इज़ अनलॉकडाउन पीरियड फर्स्ट, स्टिल यू रिमेन एट होम एंड स्टे एट होम एंड एन्जॉय योर स्टडीज. Thank you very much.